सो फ्रेंड्स, आज का ट्रेडिंग सेटअप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर में 5 मिनट की कैंडल में फिर से क्लोजिंग मिल चुका है। तो अभी मैं जो लूंगा एंट्री लूंगा 8050 पे एंट्री लूंगा। यहाँ पे देखिए 8050 मैंने एंट्री यहाँ पे डिसाइड की हुई है, और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है हमारा 3000 का रिस्क है। उसके हिसाब से अभी हमें आज हमें 14 लॉट्स में काम करना है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अभी थोड़ा सा नीचे अगर मार्केट हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे आज, और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पे ऑर्डर डाल देता हूँ 8050 का, बाय 14 लॉट्स में हमने ट्रेड करना है, और 8050 पे हमने एंट्री लेना है। यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर डाल दिया, ये रहा हमारा ऑर्डर। इस प्राइस पे हमने एंट्री करना है। एज ऑफ नाउ 8125 चल रहा है प्राइस, और यहाँ पे हम अभी वेट करते हैं। अगर एंट्री हो गई तो हम ट्रेड कर लेंगे, अदरवाइज फिर देखेंगे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे एज ऑफ नाउ देखिए 79.8050 पे हमारी एंट्री हो चुकी है, और एज ऑफ नाउ देखें तो 200+ का प्रॉफिट दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेटअप सिंपल था। यहाँ पे देखिए, ये स्पोर्ट एरिया था, पहली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था। तो ये ब्रेक होने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया, इस ये वाला जो स्पोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो मैं एंट्री ले लूंगा ऊपर की। और उसी तरह मैंने ये डिसाइड किया था कि ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो मैं नीचे की डायरेक्शन की ट्रेड ले लूंगा। तो अभी देखिए, ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हमने ऊपर की ट्रेड ले ली हुई है। तो अभी हमने अगला काम क्या करना होता है, एक बार जब एंट्री हो जाए तो उसके बाद हमने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है। स्टॉप लॉस है हमारा 79.6, तो हम इसको अभी स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना। यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे हम, 60 है हमारा, 60। तो ये हमने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा दिया, और यहां पे जाके देखें तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो हमारा काम हो गया है अभी खत्म। अभी ट्रेड ने जो करना है वो करे, अगर नीचे आना है हमारा स्टॉप लॉस हिट करना है वो कर दे, नहीं तो हमें कोई शाम तक हम वेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस जो होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये है आज का ट्रेडिंग सेटअप। सिंपल ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये ट्रेड आज टेलीग्राम पे मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, तो इसी वजह से आज हम इसको अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे कि वेट करेंगे शाम का, शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए मार्केट आ चुका है नीचे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है जो कि अभी तक तो इंटैक्ट है। और अगर ये ब्रेकडाउन नीचे आता है, वो 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। और अभी एज ऑफ नाउ मेन जो हमारा स्पोर्ट एरिया है वो ये वाला है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस आज पक्का हिट होगा। और एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 1700 1750 का लॉस चल रहा है, 3000 का लॉस होगा तो हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। अगर ये हिट होगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार जो ब्रेकडाउन आ चुका था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो हमारा स्टॉप लॉस जरूर हिट होगा, तो वैसा ही हुआ है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका है, तो आज हमने बुक कर लिया है 2835 रुपये लॉस। और अभी हम फाइनली क्या करते हैं, अपनी फाइल को अपडेट कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया। डेटा 12 तारीख थी आज, आज हमने 14 लॉट्स बाय किए थे और हमें लॉस हुआ है 2835 रुपये का, और टोटल इस मंथ में अभी चल रहे हैं हम 7200 रुपीज के प्रॉफिट में। और आज की हमारी लर्निंग थी, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ओड्स। यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की आज ट्राई की है। और यहाँ पे देखें डेली में अगर हम देखें तो जो ओवरऑल ट्रेंड था वो नेगेटिव था, मतलब आज हमें वेट करना चाहिए था। और जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था कि ये वाली बड़ी कैंडल के बाद नीचे हम ट्रेड लेंगे, लेकिन दोनों प्लान थे मेरे एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली क्या था, यहाँ पे हमने ट्रेंड के अगेंस्ट, जैसे मार्केट में अभी इनएक्टिविटी चल रही है, दूसरे जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, शेयर मार्केट ऊपर जाता है, जैसे निफ्टी हमारा इंडेक्स ऊपर जाता है, तो डॉलर जो यूएसडी आईएनआर पेयर्स होते हैं वो ऑब्वियसली नीचे जाता है। तो इसी वजह से आज हमें नीचे का ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए था, जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और
देखिए अभी यही गलती थी सुबह। एक्चुअली मैं थोड़ा स्केप्टिकल भी था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे सेटअप दिख रहा था। तो इसी वजह से कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन अगली बार हम क्या करेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। जिस डायरेक्शन का ट्रेंड है अगर ऊपर का है तो ऊपर के ट्रेड्स लेंगे, नीचे का है तो नीचे के ट्रेड्स लेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना है आगे से, हमने ये भी ट्राई करना है। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और अगले और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम मिलेंगे कल वाले ट्रेडिंग सेशन में और ट्राई करेंगे एक अच्छा ट्रेड करने का।